फंडामेंटल की यूनिट फिफ्थ में दिया गया है पहला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन एंड आईटी के उपयोग को समझाइए। तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है एक दूसरे से संपर्क करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना और उससे मैसेज लेना। तो किस प्रकार से कंप्यूटर के माध्यम से जो है मानव आपस में कम्युनिकेट करता है, उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसको हमको पढ़ना है। और उसके बाद दिया गया है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ ही होता है कंप्यूटर के माध्यम से संचार करना और कंप्यूटर के माध्यम से ही आंकड़ों को स्टोर करने कि जितने तरीके हैं, जितनी सुविधाएं हैं, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो कम्युनिकेशन का क्या उपयोग है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, उसको हमको समझना है। मानव बहुत सी सूचनाओं को अपने विकास के लिए एकत्र करना चाहता है, ठीक है। तो जहां पर भी सूचनाएं इकट्ठी होती हैं तो एकत्र की जाती हैं, जहां भी सूचनाएं, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस सूचना का इस्तेमाल करके आगे के लिए विकास के कार्य किए जा सके। किंतु मानव मस्तिष्क की संग्रह क्षमता अत्यधिक कम होती है। कोई किसी भी प्रकार की सूचना अगर बहुत सीमित है, किसी का नाम है, तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हम याद रख पाते हैं। लेकिन मान लीजिए एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर कि जितने कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का नाम क्या है, उनको कितनी सैलरी दी जाती है, किसको कितनी सैलरी दी गई आदि, ये बहुत सारे आंकड़े अगर इकट्ठे करने हैं तो किसी के कोई ये व्यक्ति याद नहीं रख सकता। उसके लिए या तो रजिस्टर कॉपी की जरूरत होगी और रजिस्टर कॉपी के अलावा या तो हम उसको कंप्यूटर के माध्यम से स्टोर करेंगे। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि यह संभव नहीं है कि हर समय सभी सूचनाएं मानव मस्तिष्क में उपलब्ध हो। अतः आवश्यक है कि डेटा व सूचना को ग्रहण करने का कोई सही तरीका हो और उन्हें इस प्रकार संग्रहित किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर वह उपलब्ध हो सके। जैसे अगर हमने सूचनाओं को मान लीजिए रजिस्टर या कॉपी में लिख करके रखा, अब यदि 5000 कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स हैं तो उनको रजिस्टर में भी ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर किसी एक कर्मचारी की हमको इंफॉर्मेशन को देखना है तो रजिस्टर में उसको ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर कि रिकॉर्ड्स को आसानी से स्टोर किया जा सके और उन रिकॉर्ड्स को देखा जा सके। इसी क्रम पर डेटा पर क्रिया करने की तकनीक का विकास हुआ और इसी के साथ कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसमें बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आने लगे जो डेटा को स्टोर करते थे और डेटा को हम अपने अनुसार देख सकते थे। इसी कारण आज सूचना तकनीकी का चारों ओर व्यवसायिक तथा सामाजिक आवश्यकता के रूप में महत्व है। इसी कारण से सभी जगह जो है लोग व्यापार में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर भी जो है डेटा को स्टोर करके कंप्यूटर के माध्यम से उसको अपने तरीके से देखने के लिए सभी जगह जो है वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। इस सूचना का आदान प्रदान सर्वप्रथम टेलीफोन द्वारा, बाद में टेलेक्स, फैक्स, पेजर, सेलुलर फोन, कंप्यूटर, ईमेल द्वारा आरंभ हुआ। तो कैसे लोग जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगे, तो आज भी लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फैक्स सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, पेजर का इस्तेमाल करते हैं, फोन का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीजें क्या हो गई, ये सभी आज की तकनीक हो गई जिसके द्वारा कि जो है मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी प्रकार के मैसेज को पहुंचा सकता था। डेटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही डेटा संचार का मूलभूत उद्देश्य है। तो यदि आप चाहते हैं कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, यही मुख्य उद्देश्य है कम्युनिकेशन का। डेटा के सेंडर, प्रेषक और रिसीवर प्राप्तकर्ता कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो जहां से डेटा सेंड किया जाता है उसको प्रेषक बोलते हैं और जो डेटा को रिसीव करता है उसको प्राप्तकर्ता बोलते हैं। तो वर्तमान समय में किसी भी कंप्यूटर को विश्व में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर के साथ सरलता से जोड़ा जा सकता है और आज इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि आप इस पिक्चर्स पर देख सकते हैं। पिक्चर एक ये बता रही है कि पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर है वो आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो सारे वर्ल्ड के कंप्यूटर में अब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी मैसेज आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जो विश्व के किसी भी कोने पर है आसानी से पहुंचा सकते हो। ये चित्र उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए हैं।
और इस प्रकार सूचनाओं का आदान प्रदान सरलता एवं तीव्रता से किया जा सकता है। इस प्रकार के तत्व को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे कंप्यूटर जो विश्व के आपस में जुड़ गए उसे कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है जाल। जहां पर कंप्यूटर को एक जाल के रूप में, मतलब वायर के रूप में, वायरलेस के रूप में, बिना वायर के आपस में किसी न किसी माध्यम से जोड़ दिया गया ताकि वो आपस में डेटा को एक दूसरे के साथ जो है शेयर कर सकें, ऐसे जाल को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक दूसरे से जुड़े ऐसे कंप्यूटर का जाल होता है जो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर रखे जाते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर मतलब कोई एक शहर में कंप्यूटर है तो कोई एक दूसरे शहर में कंप्यूटर है। हो सकता है जिससे हम डेटा शेयर कर रहे हैं वो किसी दूसरे कंट्री में भी हो सकता है वो। तो इस प्रकार से उनकी भौगोलिक स्थिति वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का आपस में दूर दूर होकर के आपस में डेटा का शेयर करना, इस प्रकार के पूरे सेटअप को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इसके विभिन्न प्रकार समझाइए। तो कम्युनिकेशन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं इसे हमें समझना है। डेटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। तो किस प्रकार से सूचना जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक कंप्यूटर के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचेगी, इसके लिए जो जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं या उनकी निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। पहला है आपका सिंप्लेक्स। डेटा संचार की इस अवस्था में आंकड़ों का प्रसारण सदैव एक ही दिशा में होता है, एक विशेष उपकरण द्वारा प्रेषित किए जाते हैं तथा अन्य उपकरण केवल अभिग्रहण की क्रिया करते हैं। मतलब डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है, जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो केवल एक ही दिशा में जाता है। इसमें केवल एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जो सूचना को सेंड करता है वो रिसीव करने का कार्य नहीं करता। उदाहरण दिया गया है इसमें सिंप्लेक्स जो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो से जो सिग्नल जो है ट्रांसमिट किए जा रहे हैं तो एंटीना उस सिग्नल को केवल क्या करता है, ग्रहण करता है। एंटीना से कोई सिग्नल जो है वो रेडियो के माध्यम से उसके टावर तक नहीं पहुंचते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करता है, ये क्या कहलाता है आपका, सिंप्लेक्स, जिसमें कि आप बोल सकते हो उसको वन वे कम्युनिकेशन। दूसरा हो गया आपका टेलीविजन, प्रसारण इसी प्रकार का होता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड द्वारा डेटा को कीबोर्ड से कंप्यूटर की ओर प्रेरित किया जाता है। जिस डिवाइस में डेटा एक ही दिशा में संचरित होता है उसे सिंप्लेक्स कहते हैं। तो कीबोर्ड से जो भी डेटा हम जो है, कीबोर्ड से भी जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ पर जाता है, कंप्यूटर पे जाता है। लेकिन कंप्यूटर से कोई डेटा कीबोर्ड की तरफ नहीं आता है। इसका इस्तेमाल केवल किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल केवल किया जाता है डेटा को इनपुट करने के लिए। जो भी हम निर्देश कंप्यूटर में दे रहे हैं तो कीबोर्ड से वो निर्देश जो है वो वायर के माध्यम से या विदाउट वायर जो है वो कंप्यूटर में चले जाते हैं, कंप्यूटर के सीपीयू में चले जाते हैं। तो यहां से भी कीबोर्ड से केवल डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, कीबोर्ड किसी भी प्रकार के डेटा को क्या नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है। तो इसको भी डेटा कम्युनिकेशन की कौन सी अवस्था बोलेंगे, इसको भी सिंप्लेक्स बोलेंगे, जिसमें कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, केवल डेटा का एक ही दिशा में जो है ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा दिया गया है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या कहलाता है, इसको समझते हैं। इस अवस्था में डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में संभव होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में डेटा का संचरण होता है। कंप्यूटर क्षेत्र में हार्ड डिस्क पर डेटा लिखने पर पढ़ने की प्रणाली में डेटा का आदान प्रदान हाफ डुप्लेक्स अवस्था में होता है। जब हार्ड डिस्क में डेटा सेव किया जाता है तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता, और जब डेटा पढ़ा जा सकता है तो उसे डेटा को सेव नहीं किया जा सकता। हाफ डुप्लेक्स जो है वो अवस्था होती है डेटा कम्युनिकेशन की, जिसमें दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन तो होता है। मतलब डेटा, देखिए अगर ये पिक्चर से और क्लियर होगा, डायरेक्शन ऑफ डेटा एट अ टाइम, मतलब इस कंप्यूटर से डेटा इस पे जा रहा है लेकिन उसी समय पे डेटा यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। जब ये डेटा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा डेटा, तभी आप इस कंप्यूटर से डेटा को इस कंप्यूटर तक पहुँचा सकते हो। मतलब हाफ डुप्लेक्स में डेटा का कम्युनिकेशन दो डिवाइस के बीच में तो होता है, लेकिन एक समय में
केवल एक ही चीज हो सकती है, या तो डेटा को वो रिसीव करेगा या तो डेटा को वो सेंड करेगा। जैसे इस आप मोबाइल में देखिए, यहाँ से सिग्नल जो भेजे जा रहे हैं तो केवल ये रिसीव कर रहा है, और जब ये रिसीव करना बंद कर देगा तो ये केवल सेंड कर सकता है, उस समय केवल ये मोबाइल जो है वो रिसीव करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार की अवस्था कम्युनिकेशन की हाफ डुप्लेक्स कहलाती है, जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो दोनों तरफ से तो होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही कम्युनिकेशन होता है। इसी प्रकार से अगली अवस्था है कम्युनिकेशन की, जिसे बोलेंगे फुल डुप्लेक्स। इस अवस्था में एक ही समय में डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में संभव है। इस प्रणाली में एक ही समय में सेंडर तथा रिसीवर दोनों कार्य करते हैं। इस प्रणाली में सेंडर तथा रिसीवर दोनों के लिए भौतिक रूप की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इस कंडीशन में जो है एक डिवाइस है जो वो सेंड करने का कार्य भी करती है सिग्नल्स को, और उसी समय डेटा को या सिग्नल को रिसीव करने का कार्य भी कर सकती है। इसे बोलते हैं क्या, फुल डुप्लेक्स। जब जैसे मोबाइल में हम बात करते हैं तो एक समय में हम मोबाइल में जो भी बात करना उसको बोल भी सकते हैं और सामने वाला जो बोलता है उसको हम सुन भी सकते हैं, तो ऐसा डेटा का ट्रांसमिशन जो होता है उसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, जहां पर डेटा दोनों डिवाइस के माध्यम से जो है किया जा सकता है साथ में। मतलब दोनों डिवाइस एक ही समय में डेटा को सेंड करने का कार्य भी करती है और दोनों डिवाइस एक ही समय में डेटा को रिसीव करने का कार्य भी कर सकती है। तो इस प्रकार से जहां पर डेटा का कम्युनिकेशन दोनों दिशाओं में होता है उसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है समझाइए। तो कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सीरियल कम्युनिकेशन और एक पैरेलल कम्युनिकेशन। तो दो डिवाइस के मध्य डेटा ट्रांसमिशन दो प्रकार से संभव होता है। पहला है पैरेलल ट्रांसमिशन या पैरेलल कम्युनिकेशन। तो ये किस प्रकार का होता है इसको समझते हैं। इसमें बाइनरी डेटा 0 और 1 को बिट के समूह में संगठित कर लिया जाता है। पैरेलल ट्रांसमिशन में संगठित डेटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। पैरेलल ट्रांसमिशन में n बिट भेजने के लिए 6 वायर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यदि हमें 8 बिट डेटा भेजना है तो 8 तारों का प्रयोग किया जाएगा। पैरेलल ट्रांसमिशन की गति सीरियल ट्रांसमिशन से अधिक होती है, परंतु यह अत्यंत महंगा होता है। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, आपको मालूम है कि कोई भी दो डिजिटल डिवाइस है, कंप्यूटर है मान लो, तो कंप्यूटर डेटा का ट्रांसमिशन किस प्रकार से करता है, कंप्यूटर डेटा का ट्रांसमिशन बिट के रूप में करता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में करता है, क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, वो केवल डिजिट को समझता है 0 और 1 के फॉर्म को। तो यदि एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर है, वो डेटा को सेंड करेगी दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो उसके लिए जो भी डेटा होगा वो डेटा सबसे पहले तो किस में डिवाइड हो जाएगा, इस कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में या डिजिटल लैंग्वेज में, और वो बाइनरी लैंग्वेज या डिजिटल लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में हो सकती है, 0 और 1 के फॉर्म में हो सकती है। तो जो भी डेटा सेंड किया जा रहा है वो एक साथ सेंड किया जाएगा 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब एक वायर से 0 या 1 को सेंड किया जाएगा, इसी प्रकार से दूसरी बिट को दूसरे वायर से सेंड किया जाएगा, तीसरी बिट को तीसरे वायर से सेंड किया जाएगा। तो डेटा की जितनी भी बिट होंगी उसके लिए अलग अलग वायर का प्रयोग किया जाएगा। इसे पैरेलल ट्रांसमिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारा डेटा जो है और जो भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वो फास्ट होता है, और फास्ट होने के साथ साथ पैरेलल होने का कारण इसका यह है कि जो भी बिट्स हैं, जो भी डेटा 0 1 के फॉर्म में बटा हुआ है, वो देखिए ये एरो बना हुआ है, 0 भी उसी समय उसी रास्ते पे चल रहा है, 1 भी उसी के साथ पैरेलल चल रहा है, समानांतर क्रम में चल रहा है, फिर दूसरा जो जो डेटा का जो डिजिटल में बदला है बाइनरी में बदला, उसका 0 या 1 फिर उसके पैरेलल चल रहा है। इस प्रकार से जो भी डेटा 0 1 के फॉर्म में बदला हुआ है वो पैरेलल जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ चल रहा है। तो इस प्रकार से डेटा ट्रांसमिशन फास्ट हो जाता है क्योंकि एक ही समय में पूरा डेटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ ट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन। इसी प्रकार से दूसरा ट्रांसमिशन होता है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में एक एक करके बिट भेजी जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सीरियल ट्रांसमिशन का जो है, मान लीजिए एक डिवाइस ये है जहाँ से डेटा का ट्रांसमिशन किया जा रहा है, दूसरी डिवाइस ये है जहाँ पर डेटा को रिसीव किया जा रहा है। पैरेलल ट्रांसमिशन में 0 और 1 समानांतर क्रम में एक साथ एक ही समय पे चलते थे, लेकिन इसमें पहले 0 बिट जो है वो पहुंच रही है, फिर उसके बाद उसकी उस डेटा की दूसरी बिट जो है, चाहे वह 1 हो या 0 हो,
उसके बाद पहुंच रही है, फिर तीसरी बिट पहुंच रही है, फिर चौथी बिट पहुंच रही है, इस प्रकार से सारी बिट्स को जो है वो एक के बाद एक जो है वो भेजा जा रहा है। तो चूंकि इसमें जो बिट्स होती हैं, जो डेटा कन्वर्ट होकर के जाता है वो सीरियल रूप में जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरियल ट्रांसमिशन बोलते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एसिंक्रोनस और एक होता है सिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है देखते हैं। इस डेटा ट्रांसमिशन में डेटा बिट के साथ एक स्टॉप बिट और एक स्टार्ट बिट लगा दी जाती है। तो एसिंक्रोनस में क्या होता है, एक स्टार्ट बिट होती है जहां से डेटा ट्रांसमिशन शुरू होता है, जहां पे डेटा ट्रांसमिशन खत्म होता है उसके लास्ट में एक स्टॉप बिट लगा दी जाती है। स्टार्ट तथा स्टॉप बिट का उद्देश्य रिसीवर को प्रत्येक बाइट के आरंभ और समाप्त होने की सूचना देना है। तो जैसे ही एक ही बिट कंप्लीट होती है तो वो ये बता देता है कि एक बिट का डेटा जो है वो रिसीव हो चुका है, और फिर दूसरी बिट जैसे ही आती है तो फिर स्टार्ट और स्टॉप जो है वो इस पे बिट लगा दी जाती है। तो ये कहलाता है, इस प्रकार का ट्रांसमिशन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें डेटा फ्रेम के रूप में होता है जो कि विभिन्न बाइट के समूहों से बना होता है। रिसीवर इस फ्रेम से बाइट को अलग कर देता है। तो इसमें जो होता है सिंक्रोनस में क्या होता है, डेटा फ्रेम के रूप में, और एसिंक्रोनस डेटा से थोड़ा सा फास्ट एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जो है वो मूव होता है या ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको लिखा डेटा फ्रेम के रूप में होता है जो विभिन्न बाइट के समूह में बना होता है। बाइट जो है वो बिट से बड़ा होता है तो थोड़ा सा इसमें फास्ट जो है डेटा की ट्रांसमिशन हो जाता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। रिसीवर इस फ्रेम से बाइट को अलग कर देता है, तो जो फ्रेम इसके साथ ट्रांसफर होता है तो जो भी डेटा को रिसीव करता है वो फ्रेम को जो है वो अलग कर देता है। तो इस प्रकार से डेटा इसमें जो ट्रांसफर होता है वो सीरियल रूप में तो होता है लेकिन वो एक फ्रेम के रूप में होता है, लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होता है कि स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट लगा दी जाती है, और सिंक्रोनस में डेटा किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है, एक फ्रेम के रूप में होता है और डेटा बाइट्स में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो है ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से जो है ये दो ट्रांसमिशन थे, सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेटवर्क के प्रकार को समझाइए, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं। मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके जो रखा जाता है तो कंप्यूटर के जोड़ने को जो है वो नेटवर्क कहा जाता है। तो नेटवर्क की भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कौन कौन से नेटवर्क के प्रकार होते हैं उसे समझते हैं। तो नेटवर्क का वर्गीकरण उनकी भौगोलिक दूरी के आधार पर किया जाता है या निम्न प्रकार के होते हैं। तो भौगोलिक दूरी के आधार पर नेटवर्क को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। भौगोलिक दूरी के आधार पर मतलब कि आपका जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में शामिल होने वाला है उसकी स्थिति क्या है, वह कहां पर रखा हुआ है, तो उसके आधार पर कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार हैं। पहला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, या उसका शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं लैन। यह नेटवर्क एक या दो किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। तो जहां पर कंप्यूटर बहुत सीमित स्थान पर रखे हुए हैं, जैसे कि एक कमरे में या एक दो किलोमीटर के अंतर में ही अगर नेटवर्किंग की गई है, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है, तो ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, लोकली जो कंप्यूटर आपस में जोड़े गए हैं उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे किसी कार्यालय, विद्यालय अथवा किसी एक ही इमारत में स्थित संगठन में हम बोल सकते हैं, एक पूरा बिल्डिंग है, ऑफिस है, कार्यालय है, एक कमरे में, स्कूल कॉलेज की कंप्यूटर की लैब में जो नेटवर्किंग की जाती है उसे क्या बोल सकते हैं, हम लोकल एरिया नेटवर्क या लैन उसे बोल सकते हैं। स्टार या रिंग कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी को लैन में प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टार और रिंग टोपोलॉजी होती है, इनके बारे में हम आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि स्टार और रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। तो इन दोनों टोपोलॉजी का उपयोग लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में किया जाता है। प्रायः लैन में कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल के तार प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी डेटा संचार गति बहुत तेज तथा त्रुटि रहित होती है। तो इसके लिए जो है ये केबल के टाइप्स दिए गए हैं, इसका उपयोग किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने में, और इसके कारण इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जो डेटा ट्रांसमिशन करता है वो भी बहुत तेजी से होता है, क्योंकि इसमें कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, पहला लैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही कार्य करता है। मतलब चूंकि नाम है इसका लोकल एरिया नेटवर्क, इसलिए इसका इस्तेमाल केवल सीमित स्थान के लिए किया जाता है। जहां पर कि एक बिल्डिंग है, ऑफिस है, एक कंप्यूटर की लैब है, वहां पर अगर अपन को डेटा को ट्रांसफर करना है तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए जो है लैन
लोकल एरिया नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी लागत भी कम होती है क्योंकि इसको छोटे जगह ऑफिस के लिए जोड़ा जाता है। तीसरा दिया गया है इसमें, यह किसी संस्था या उद्देश्य विशेष से संबंधित होता है। तो एक छोटी सी संस्था के लिए, ऑफिस के लिए इसको जो है लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में बनाया, लोकल एरिया नेटवर्क को बनाया जाता है। इसलिए जो है ये एक ही संस्था और एक ही कंपनी से संबंधित हो सकता है। लैन में आंकड़ों के संचार की गति 0.1 से 100 एमबी प्रति सेकंड होती है। तो एक सेकंड में केवल ये 0.1 एमबी से 100 एमबी तक का डेटा ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर पाता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में केवल ये बताया गया है कि जो कंप्यूटर आपस में पास पास में है, एक ही ऑफिस बिल्डिंग में है, 2 किलोमीटर के दायरे में है, उन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगला दिया गया है नेटवर्क के प्रकार में मेन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वह नेटवर्क जो व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से किसी मेट्रोपॉलिटन महानगरों की अनेक इमारतों को आपस में जोड़ता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहलाता है। इसका आकार तथा कंप्यूटर की संख्या लैन से ज़्यादा होती है। इसमें कई लैन को आपस में जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है आपका कि कई महानगरों की इमारतों को आपस में जोड़ करके रखा जाता है। जैसे अभी हमने लैन के बारे में पढ़ा था कि एक बिल्डिंग है, उसी के अंतर्गत ही कंप्यूटर में जो नेटवर्किंग की जाती है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अलग अलग बिल्डिंग है, ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस जो है वो सेंट्रल ऑफिस से जुड़ा हुआ है और सेंट्रल ऑफिस से फैक्ट्री, ब्रांच ऑफिस और सारी अलग अलग बिल्डिंग्स जो एक शहर में हो सकती हैं उनको आपस में जोड़ करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बिल्डिंग को जिनकी दूरी 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक भी हो सकती है, ऐसी बिल्डिंग्स को आपस में जो भी इनके कंप्यूटर से उनको आपस में जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी समझ सकते हैं कि दो अलग अलग बिल्डिंग्स को जिनकी दूरी देखिए आप 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर तक की है, ऐसे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नेटवर्क का प्रकार दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में वैन बोलेंगे। यह नेटवर्क भी सार्वजनिक है जो कि विस्तृत क्षेत्र में स्थापित होता है। यह मैन से भी बड़ा होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन में क्या किया था हमने, एक शहर में उनकी दूरी 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक हो सकती है, उनकी बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ा था। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से क्या होता है, इसे मंडलीय प्रादेशिक, मतलब एक देश से दूसरे देश तक जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जो नेटवर्क फैलाया जा रहा है, उस नेटवर्क को बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक लैन को आपस में जोड़ा जाता है। यह लिंक टेलीफोन लाइन के माध्यम से बनाया जाता है। वैन को स्थापित करने के लिए टेलीफोन लाइन के अलावा हम उपग्रह या रॉकेट रेडियो का भी प्रयोग कर सकते हैं। लैन की अपेक्षा वैन की गति धीमी होती है। इसके मुख्य कारण है अर्पानेट, इरानेट, सेलनेट, स्टारनेट, इननेट है। वैन की गति धीमी होने का कारण यह है कि एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेशन किया जाता है, उसको आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में एक सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, इसी कारण से लैन की स्पीड ज्यादा होती है। इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन। वैन में भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश से जो कम्युनिकेशन करता है उसके लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है उसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वैन में कंप्यूटर्स के बीच भौतिक लिंक की आवश्यकता नहीं होती। वैन के आंकड़ों के संचार की गति 9600 बिट्स प्रति सेकंड होती है। तो एक सेकंड में जो है वो 9600 बिट को ट्रांसमिशन करने की जो है क्षमता वाइड एरिया नेटवर्क में होती है। वैन को स्थापित करना तथा प्रयोग करने में लागत अधिक आती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश से अगर कम्युनिकेशन करने के लिए इस प्रकार का नेटवर्क बनाएंगे तो उसके लिए जो है वो लागत, उसमें लगने वाले तकनीकी साधन जो है वो महंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैन का एक चित्र बताया गया है जिसमें ये बताया गया है कि वैन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये कई लोकल एरिया नेटवर्क का समूह भी कहलाता है। ये कई अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क का समूह है। तो एक लैन ये हो गया, दूसरा लैन ये हो गया, तीसरा, चौथा लैन, ऐसे कई लैन मिलकर के क्या बनाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और ये लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क मिलकर के आपस में दूसरे देशों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपस में जुड़े हुए होते हैं और इससे कम्युनिकेशन किया जाता है, इसलिए इसको